नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसे आप लेडीज़, जेंट्स, बच्चे किसी के भी स्वेटर में बना सकते हैं। ये सबके में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 11 फंदा अधिक, या यूँ कहिए कि 12 का मल्टीपल फंदा चाहिए और माइनस एक फंदा कम। तो इसमें मैंने 35 फंदा डाला है और 3 फूल बना है। तो 3 फूल बनाने के लिए एक फंदा कम डाला है, 36 से एक फंदा कम। तो इसी तरह हम फंदे डिसाइड करेंगे। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने सिलाई में 35 फंदे डाले हैं और दो लाइन प्लेन बनाया जाएगा, यानी पहली लाइन में सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे, तीसरी लाइन में हम अपना दूसरा रंग अटैच करेंगे। पहला फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा बुनेंगे और फिर 9 फंदा हम दूसरे रंग के ऊन से सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 3 फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा। ये पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे और लास्ट में एक फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा। रॉन्ग साइड और फोर्थ रो अपने पहले रंग वाले उनसे बुने हुए सभी फंदे हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे रंग वाले सभी फंदे हम सीधा बुनेंगे, यानी काले रंग से बुने हुए सभी फंदे हम सीधा बुनेंगे और लाल रंग से बुने हुए सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। प्राइमरी रंग के बुने हुए फंदे उल्टा और सेकेंडरी रंग के बुने हुए फंदे सीधा बुनते हुए चौथा लाइन कंप्लीट कर दिया गया है। और अब ये डिज़ाइन का 5वां लाइन है और सामने से पहला फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा और दूसरा फंदा काले रंग के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा, 1, 2, 3 और चौथा फंदा काले रंग के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा और चौथा फंदा काले रंग के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा लाल रंग के ऊन से सीधा। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। इन बुने हुए 9 फंदों में से पहला फंदा काला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा फंदा लाल, फिर सेंटर फंदा जो है वो काला बुना जाएगा, फिर 3 फंदे लाल और 9वें फंदे में से आखिरी फंदा 9th स्टिच जो है वो काला, फिर 3 फंदा लाल। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी जाएगी। रॉन्ग साइड से प्राइमरी कलर के सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और सेकेंडरी कलर के सभी फंदे, यानी काले रंग से बुने हुए सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। डिज़ाइन का 7वां लाइन और सामने से पहला फंदा लाल, दूसरा फंदा काला, तीसरा फंदा लाल, चौथा फंदा काला, 5वां फंदा लाल, 6ठा फंदा काला, यानी एक लाल, फिर काला, लाल, काला, इस तरह अल्टरनेट हम बुनते जाएंगे। और ये देखिए काले से, ये 9 फंदों में काले से ही शुरुआत होगा, तो काला, लाल, काला, लाल, काला, इस तरह हम बुनते जाएंगे। 9th रो और फ्रंट साइड 3 फंदा लाल, 1, 2,
तीन, फिर एक फंदा काला, फिर एक फंदा लाल, फिर एक फंदा काला, फिर एक फंदा लाल, फिर एक फंदा काला, और फिर तीन फंदे लाल, एक दो तीन, फिर एक फंदा लाल, सॉरी एक फंदा काला, तीन लाल के बाद एक फंदा काला। देखिए फ्रेंड्स, नाइन्थ रो में इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन लाल, फिर काला, लाल, काला, लाल, काला, फिर तीन लाल और एक काला, तीन लाल, एक दो तीन लाल, फिर काला, लाल, काला, लाल, काला, फिर तीन फंदे लाल और एक फंदे काला। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 11वीं लाइन और सामने से चार फंदा काला, फिर तीन फंदा लाल, फिर 9 फंदा काला, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इन चार फंदों को छोड़ देंगे। इन्हीं चारों 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा लाल, नौ फंदा काला, लास्ट में फिर तीन फंदा लाल, और लास्ट में चार फंदा काला। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दो लाइन लाल रंग के ऊन से प्लेन बनाना पड़ेगा, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से 15वीं लाइन 11वीं लाइन की तरह बनाया जाएगा, यानी चार फंदे काले रंग के ऊन से सीधे, फिर तीन फंदे सफ़ेद लाल रंग के ऊन से सीधे, फिर 9 फंदे काले रंग के ऊन से सीधे। यानी देखिए, इसी लाइन को फिर से ये दोहराया जा रहा है। यहाँ पे तीन फंदे लाल, फिर 9 फंदे काले, ये चार फंदे को छोड़ के इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदे लाल, फिर 9 फंदे काले, फिर तीन फंदे लाल, फिर 9 फंदे काले, और लास्ट में चार फंदे काले आएंगे। 17वीं लाइन और सामने से तीन फंदा लाल, चौथा फंदा काला, फिर पांचवा फंदा लाल, छठा फंदा काला, फिर सातवा फंदा लाल और आठवा फंदा काला, फिर तीन फंदा लाल और चौथा फंदा काला। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा लाल, चौथा फंदा काला, फिर नेक्स्ट लाल, फिर काला, फिर लाल, फिर काला, फिर तीन फंदा लाल और
अगला काला, इन्हीं 12 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 19वीं लाइन और सामने से पहला फंदा लाल, दूसरा काला, फिर लाल और फिर काला, इस तरह अल्टरनेट बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इक्कीसवीं लाइन और सामने से पहला फंदा लाल, दूसरा फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल, चौथा फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल, और चौथा फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल, और चौथा फंदा काला। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल, फिर एक फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल, एक फंदा काला और फिर 2 फंदा लाल। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 23वीं लाइन और सामने से पहला फंदा लाल, फिर 9 फंदा काला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 3 फंदा लाल। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 9 फंदा काला बुनना है, फिर 3 फंदा लाल, फिर 9 फंदा काला, फिर 3 फंदा लाल। फिर डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। 24 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 24 लाइनों को दोहराने से डिज़ाइन अपने आप बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।